हमने पहले भी आपसे बात की है, तो उसमें हमने एक शब्द को बार बार कहा है कि यदि आप चंद्रमा को साध लेते हैं, चंद्रमा को समझ लेते हैं, तो आपको कोई भी ग्रह किसी प्रकार ना ही कष्ट पहुंचा सकता है, या कोई भी ग्रह आपको तकलीफ दे सकता है, अन्यथा आप वहां पे उल्टे आप एक साधक के रूप में नजर आएंगे। कैसे? चंद्रमा मन है, साधना क्या है? यदि पूछा जाए आपसे कि साधना की शुरुआत आप कैसे करते, तो आप साधना में बोलेंगे मंत्र जप करना, पूजा पाठ करना, योगा करना, योग करना, ध्यान करना, यही साधना है, यही अध्यात्म है। नहीं, ये बिल्कुल अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का सीधा अर्थ यही होता है कि अध्ययन स्वयं का करना, अपना अध्ययन करना। और कौन सा अध्ययन करना? प्रथम से आठवां, अर्थात उसका अध्ययन करना जो हमारे अंदर छुपी ही बुराइयां हैं। आठवां भाव क्या है? हमारे अंदर जो छिपी हुई बुराइयां हैं जिसे हम देख नहीं पाते, वही आठवां भाव है। तो उस बुराइयों को हमें चुन चुन कर बाहर करना है। जो बुराइयां हमारे अंदर समाहित है, जो हमारी आत्मा को दूषित कर रही है, वही आत्मा का अध्ययन करना है। इसे हम अध्यात्म कहते हैं। वही साधना है जो हम अपनी बुराइयों को ही साध सकें। एक पेन कॉपी लीजिए, उसमें लिखिए क्या लिखना है। आपकी जो बुराइयां हैं, बुराइयां ईमानदारी से, जो आप में ईमानदारी हो, ज्योतिष पे फिर हम बात करेंगे इसी विषय पे। आप एक ईमानदारी से स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए कि क्या क्या आप में बुराइयां हैं, या आप यह जानते हैं, आपका आत्मा जानता है कि मैं यह जो कार्य कर रहा हूं या मैं जो यह कार्य कर रही हूं वो गलत है, लेकिन फिर भी आप उस कार्य को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप क्या है, ईमानदारी तो है कि हाँ आपको पता है कि ये कार्य गलत है, लेकिन फिर भी आप उसे कर रहे हैं, अर्थात अपने स्वयं से ही बेईमानी कर रहे हैं। और फिर दूसरे पेज में आप उसे यह लिखे कि आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए। जब आपको यह पता चल जाएगा कि क्या क्या कार्य करना चाहिए, और आपको यह पता चल जाएगा अपने जीवन से ही कि क्या क्या चीजें मुझे अपने जीवन से बाहर निकाल देनी है, वहीं से आपकी अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन हम चंद्रमा को क्यों लेकर आए हैं? चंद्रमा का प्रमुख यहां लाने का रीजन यह है कि आपके D20 चार्ट में चंद्रमा की क्या स्थिति है वह देखना, दूसरा चंद्रमा मन है। कष्ट किसी को नहीं होता है, कष्ट मन को ही होता है। मन को पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, किस स्थिति में जाना है। मन को अच्छाई भी पता है और हमारी बुराइयां भी पता है, लेकिन इंद्रियां है ना, और कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग है। हम लोग इस युग को ही दोषी ठहराते हैं। जैसे एक बालक देखते हैं, वैसे ही आपका मन है। बालक कैसे कार्य करता है? छोटा बच्चा है, और आपको पता है कि उसे आपको बहलाना है या फिर उसे सुलाना है, क्योंकि जिस बात की हम बात कर रहे हैं आज, वो विश्राम है हमारा। अध्यात्म में हम जब जाते हैं तो हमें विश्राम की अनुभूति होती है, वह आराम हमें मिलता है जो जीवन में आज तक हमें सोने से प्राप्त नहीं हुआ। तो उस बच्चे को हमें जब सुलाना है, उस बच्चे को सुलाएंगे तो क्या करें? जब पता है हमें छत पे है, तो उसे पहले छत से नीचे लाएंगे। जब उसे छत से नीचे ले आएंगे तो उसे सुलाएंगे। तो जो उस बच्चे को लाने का मार्ग बना वो सीढ़ी बन गया। तो वो सीढ़ी उसे सुलाने के लिए हम ऊपर गए, नीचे लेकर आए। फिर बाद में पता चलता है कि बच्चा बाहर खेल रहा है, घर के अंदर आ नहीं रहा है, सो नहीं रहा है, लेकिन ध्यान में हमें है कि बहुत देर से भोजन नहीं किया है, कुछ खाया नहीं है, तो कुछ स्वादिष्ट उसके सामने परोस दो, वो खाने को देख के चला आएगा। तो मन बच्चा है, और उस बच्चे को कौन सी चीज चाहिए जो उसे हम देंगे तो हमारे पास वो खींचा चला आएगा, वो हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन उसमें अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। हम उसे वही परोसते हैं जो उसे अच्छा लगता हो। दूसरा, हम मंत्र को, योग को कहते हैं कि ये अध्यात्म है। नहीं, ये अध्यात्म नहीं है। आप जब जिम जाते हैं,
तो जिम में आपको कुछ ऑर्डर वगैरह दिया जाता है कि भाई आप इसे ले जाइए, या आपकी इच्छा है तो आप इसे ले जाइए, इसे पीजिए, आपकी बॉडी बन जाएगी। क्या सिर्फ उसे पीने से ही बॉडी आपकी बन जाएगी या आप फिट हो जाएंगे? नहीं, आपको उसे पीने के साथ साथ आपको जिम भी करना होगा। तो जो जिम करना है वही आपका अध्यात्म है, और वो जो पाउडर आपको दिया गया वो तो एक सपोर्ट है आपका। उसी प्रकार से अध्यात्म अर्थात अपने अंदर जो बुराइयां हमारी हैं उसे बाहर निकालना और अच्छाइयों को अंदर लेकर आना, यही सरल अध्यात्म है, यही साधना है। लेकिन मंत्र जप, पूजा पाठ, हरि कीर्तन, हरि स्मरण, राम राम, ये सब उसके सपोर्ट हैं। अर्थात डिगना नहीं है, यहीं खड़े रहना, यहां से हटने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हट जाओगे गिर जाओगे। लेकिन हमारा, हम क्या करते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है उसमें ही बंधे रहते हैं, और उसके ऊपर से फिर हम बात करते हैं कि हमें अध्यात्म में जाना है। अध्यात्म बाहर से भी आपको लड़ने के लिए कहता है, अंदर से भी आपको लड़ने के लिए कहता है। जो बाहर की लड़ाई है उसे भी आपको लड़ना है, जो अंदर की लड़ाई है उससे भी आपको लड़ना है। और दोनों तरफ से फिर पीटा कौन जाएगा? आप स्वयं जाएंगे, और वो पीटना आपको पसंद नहीं। जब वो पीटना आपको पसंद नहीं तो फिर आपको समस्या है, क्योंकि भाई मुझे कोई पीट क्यों रहा है? तो बाहर से भी लड़ना, अंदर से भी लड़ना। और हम करते क्या है, हम कहते हैं भाई कि बाहर की भी जो चीजें हैं वो भी वैसी ही रहे, अंदर की चीजें वैसी ही रहे, और हम अध्यात्म में चले जाएं, जो असंभव है। लेकिन इसे आसान कौन बनाता है? इसे हमारा ज्योतिष आसान बनाता है। कैसे बनाता है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा मार्ग है जो आपको अध्यात्म की ओर ले जाने में बहुत बड़ा सहायक होता है। आइए एक कुंडली लेते हैं सबसे पहले, जिस कुंडली पे हम कल बात कर रहे थे, रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली है। एक कुंडली आप लोग देख रहे हैं, इस कुंडली में देखिए सबसे पहले चंद्रमा को, चंद्रमा की क्या स्थिति बनी हुई है। जब आप चंद्रमा को देखेंगे इस कुंडली में तो आपको यह मिलेगा चंद्रमा किस साथ है? वीनस के साथ है। वीनस कहाँ का लॉर्ड है? पंचम का लॉर्ड है और 12वें का लॉर्ड है। 12वां भाव जिसे हम मोक्ष कहते हैं, पंचम भाव जिसे मंत्र साधना कहते हैं। क्योंकि कंटिन्यू किसी कार्य को हम कर रहे होते हैं तो वो एक पंचम भाव को हम लेकर चल रहे हैं। कोई भी कार्य यदि कंटिन्यू चल रहा है तो चंद्रमा बैठा कहाँ है? नवम में बैठा है। वीनस किस व्यक्ति को, किस व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट करता है? स्त्री को। इनकी साधना कहाँ से प्रारंभ हुई? माँ काली से। कहाँ बैठा है दोनों? नवम में बैठा है। जिस ग्रह से आपका चंद्रमा जुड़ा है उस ग्रह को पॉजिटिव वे में नियंत्रित करना सीख जाइए, आपको अध्यात्म की जागृति हो जाएगी। मतलब जैसे यहां शुक्र जुड़ा है तो माता के रूप में उन्होंने किसे अपना लिया? माँ काली को। उन्हें सब कुछ मिल गया जो मिलना चाहिए था। अब कुछ योग की बात कर लें, जैसा हमने कल आपसे कहा था, तपस्वी योग जिसे हम D20 में ही देखेंगे, क्या है तपस्वी योग? जैसा नाम है, तप, तप के प्रभाव से अपने आप को यशस्वी बनाना, वही है तपस्वी। तप अर्थात ये नहीं कहीं हम पहाड़ पे चले गए और जाकर बैठ गए, वो तपस्या हमारी हो गई। तप वो है कि हमें मीठा बहुत पसंद है, मीठा मुझे खाना भी है, और गुरुदेव ने कह दिया मीठा तुम्हें खाना नहीं है,
और मीठा हमारे चारों ओर रखा हुआ है और उसे हम स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं, बहुत तप है हमारा। अब इस तप को भी जोड़िए तो वो किससे जुड़ रहा है, वो आपके मन से ही जुड़ रहा है क्योंकि आपने मन को रोक रखा है। क्रोध आता है, जब क्रोध आता है तो क्रोध दो प्रकार का है, जब क्रोध आएगा तो आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं, ऐसा है वैसा है ये है वो है। एक तो आप बहुत क्रोध होकर अगले को बोलने लगते हैं, दूसरा है जब आप क्रोधित होते हैं तो उस वक्त आप अपने आप को चुप रखते हैं और उसके 10 मिनट बाद आप बोलते हैं देखा मैंने अपने क्रोध को कैसे शांत रखा, मैं उसे कुछ नहीं बोला, तो ये क्या है, आपका क्रोध ही है। लेकिन कोई क्रोधित आप पे हो रहा है, वहां से आप मुस्कुरा कर चले जाएं तो फिर बात बनती है कि हाँ ये तप है। अपने मन को केंद्रित कर लेना, अपने मन को ही अपने अंदर व्यवस्थित कर लेना, यही तप है। आवाज आ रही है हमारी? और जब तक आप अपने मन को व्यवस्थित नहीं कीजिएगा तब तक आपका एक तप परिपूर्ण नहीं हो सकता है। तो तपस्वी योग क्या काम करता है समझते हैं। तपस्वी योग शुक्र शनि और केतु, शुक्र शनि और केतु, यदि ये तीनों आपस में ट्राइन बना रहे हों, यदि त्रिकोण में बैठे हों तो यह एक तपस्वी योग का निर्माण करते हैं। शुक्र अध्यात्म है, जब आपने शुक्र को पढ़ा था तब आपको याद होगा कि शुक्र को हमने अध्यात्म से जोड़ रखा है, जैसा ज्योतिष कहता है उसके अनुसार। शनि वियोग है, शनि तपस्या है, शनि वैराग्य है और केतु मोक्ष देता है। तो वीनस केतु और सैटर्न, यदि ये तीनों एक ट्राइन में आ रहे हों या एक स्थान में संबंध बना रहे हों, तीनों का संबंध बन रहा हो तो यह तपस्वी योग को दर्शाता है। धर्माधिपति योग, कर्माधिपति योग, इसे आप लोग सभी जानते हैं, इसे D1 में भी अप्लाई करते हैं, D20 में भी अप्लाई करते हैं। धर्माधिपति और कर्माधिपति योग नवम भाव और दशम भाव का यदि संबंध बन रहा हो, नवम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी, दोनों यदि आपस में संबंध स्थापित कर रहे हों तो वो क्या बनेगा, वो इस योग का निर्माण होता है, धर्माधिपति योग कर्माधिपति योग का। लक्ष्मी नारायण योग आप लोग सभी जानते हैं, यह लक्ष्मी नारायण योग केंद्र और त्रिकोण को मिलकर बनता है। ये सभी योग यदि आपके कुंडली में मिल रहे हैं मतलब यह है कि आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए तैयार बैठे हैं, आपको पुश करने की आवश्यकता है, इसलिए इन योगों को देखने की आवश्यकता है। और जो ग्रह योग बना रहे हैं और सबसे ज्यादा शुभता के साथ जो ग्रह आपके D20 चार्ट में योग का निर्माण कर रहे हैं उस ग्रह को पकड़ लीजिए। जैसे हमने कल की कक्षा में बात की थी, गुरु ही महत्वपूर्ण क्यों, अध्यात्म की जागृति तो केतु भी करता है ना, मन को नियंत्रित कौन कर सकता है, मन को नियंत्रित कौन कर सकता है, बुद्धि नहीं ज्ञान, बुद्धि उसे नियंत्रित नहीं कर सकती क्योंकि बुद्धि तो खुद लगा है भाई, इधर फायदा है कि इधर नुकसान है उसमें लगा है, लेकिन ज्ञान उस मन को भी नियंत्रित कर सकती है। तो इसलिए गुरु बहुत ही प्रबल होने चाहिए आपके D20 चार्ट में। यदि गुरु अच्छी अवस्था में है
बहुत अच्छा है। दूसरा एक और कि जो सामर्थ्य आपको एक गुरु अर्थात दीक्षा गुरु इस जीवन में दे सकते हैं अध्यात्म के अंतर्गत, वह आपको कोई और नहीं दे सकता। शक्तिपात के द्वारा जब आपको गुरु दीक्षा दी जाती है, मंत्र दिया जाता है, तो उस मंत्र के द्वारा आपको जो एक शक्ति प्रदान की जाती है अपने गुरु के द्वारा, वह शक्ति आपको अध्यात्म की जागृति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि वह गुरु परंपरा से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें बहुत प्रकार की शक्तियां समाहित हैं जो आपको दी जा रही है। तो इसलिए गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। D20 चार्ट के अंतर्गत इसकी स्ट्रेंथ को समझने के लिए एक होता है धीमंता योग। धीमंता योग, धीमंता योग लग्न से बनता है। और पंचम भाव से बनता है। लग्न का स्वामी यदि अपने से तीसरे या छठे में चला जाए, लग्न का स्वामी यदि अपने से तीसरे या छठे में चला जाए और पंचम भाव का स्वामी यदि अपने से तीसरे या छठे में चला जाए, लग्न का स्वामी तीसरे भाव या छठे भाव में हो और पंचम भाव का स्वामी सातवें में या दसम भाव में हो, तो यह धीमंता योग का निर्माण होता है। सरस्वती योग, सरस्वती योग तीन ग्रह मिलकर बनाते हैं, शुक्र गुरु और बुध। शुक्र गुरु और बुध, शुक्र अध्यात्म है, गुरु अध्यात्म और ज्ञान है, बुध बुद्धि है। यदि ये तीनों केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों या दूसरे भाव में बैठे हों, केंद्र में हो आपस में से केंद्र में हो या आपस से त्रिकोण में हो या दूसरे भाव में बैठे हों, तो यह सरस्वती योग का निर्माण करता है। तो ये जो चार या पांच योग की बात की है, इन सभी योगों को अभी इस कुंडली पे लगाकर देखते हैं। सबसे पहले धर्माधिपति योग, कर्माधि अर्थात पंचम और नवम और दशम का संबंध। तो नवम और दशम का संबंध, दशम और नवम का स्वामी शनि है और दशम का स्वामी गुरु है, जुपिटर और सैटर्न का संबंध आपको दिख रहा होगा इस कुंडली में। गुरु अपनी नौवीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। दूसरा आता है लक्ष्मी नारायण योग, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी यदि किसी भी स्थान या कहीं संबंध बना रहा हो, तो आप देख सकते हैं गुरु केंद्र के स्वामी हैं, शनि त्रिकोण के स्वामी हैं और शनि और गुरु का पुनः संबंध इस कुंडली में आपको दिख रहा है। धीमंता योग, धीमंता योग इस कुंडली में नहीं बन रहा है क्योंकि लग्न के स्वामी अपने से पांचवे और पंचम के स्वामी अपने से पांचवें में है, लेकिन धीमंता से ही बहुत ही अच्छा एक योग का निर्माण हो रहा है। क्योंकि अपने से त्रिकोण भाव में जाना किसी भी भाव की ताकत को, उनकी उसकी शक्ति को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये बहुत अच्छा है। सरस्वती योग, शुक्र गुरु और बुध का संबंध। अरे
गुरु शुक्र की राशि में बैठे हैं, बुध शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो इस तरीके से देखा जाए तो एक संबंध स्थापित हो रहा है। अन्यथा जिस ट्रेडिशनल ज्योतिष को लेकर हम लोग चलते हैं उसमें हमें संबंध स्थापित होता हुआ नहीं दिख रहा है। आगे एक और योग आता है, जय योग। दशम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में गया हो, दशम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में गया हो तो यह जय योग का निर्माण करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक योग है जिसे हम हरि योग कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, या फिर हम कहें तो यह योग एक प्रकार की एक शक्ति प्रदान करता है D20 चार्ट को। यदि यह योग बन रहा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण योग आपके कुंडली में बनेंगे। हरि योग दूसरे भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, यदि अपने से अष्टम में हो, एक दूसरा दूसरे भाव के स्वामी से, दूसरे दूसरे भाव के स्वामी से दूसरे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो। दूसरे भाव का स्वामी यहाँ चंद्रमा है, उससे दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह नहीं है, उससे 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है और उससे 12वें भाव में शनि केतु और राहु बैठे हैं। दूसरे भाव का स्वामी अपने से अष्टम में गया है और शुभ ग्रह के साथ बैठा है, तो एक हरि योग का एक जो पाठ है वो हमें मिल रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है D20 चार्ट के लिए। केतु और बृहस्पति का संबंध केतु और बृहस्पति का संबंध बन रहा हो और उसके साथ ही पंचम, अष्टम और द्वादश का भी संबंध स्थापित हो रहा हो। केतु और गुरु का संबंध है, उसके साथ पंचम का संबंध, द्वादश का संबंध या अष्टम का संबंध, तो केतु अष्टम में ही बैठे हैं। अब आपको पता हो कि जहां राहु केतु बैठते हैं वहीं के अधिपति हो जाते हैं, तो इस अनुसार यह भी एक योग इस कुंडली में हमें मिल रहा है। गुरु और केतु ये दोनों का संबंध हो और इनका संबंध पांच आठ और 12 भाव के साथ में हो। इसके अलावा और गुरु भी साथ में 12 भाव में ही बैठे हैं। यदि केतु का संबंध पांच आठ और 12 भाव से बन रहा हो तो सेवा योग नामक योग का निर्माण होता है। यदि केतु का संबंध पांच आठ और 12 भाव से बन रहा हो तो सेवा योग नामक योग का निर्माण होता है।
केतु स्वयं अष्टम में बैठे हैं और अष्टम के स्वामी के साथ ही बैठे हैं, और श्री राम कृष्ण परमहंस से कोई आप परिचित नहीं हैं। हम लोग सभी परिचित हैं उनसे, उनके उनका क्या व्यक्तित्व रहा, क्या त्याग उनमें रहा, क्या अध्यात्म उनमें रहा। तीसरा योग है, केतु 12वें भाव में हूं, चंद्रमा शनि और मंगल ये तीनों आपस में संबंध बना रहे हों, चंद्रमा शनि और मंगल तीनों आपस में संबंध बना रहे हों, बृहस्पति का प्रभाव लग्न पे जा रहा हो, यह भी एक योग हम D20 चार्ट में देखेंगे। जब आप D20 चार्ट को समझना चाहें तो आपको इतना तो समझ में अभी तक आ गया होगा, अभी तक आपने अपनी कुंडली पे यदि इसे लगाया हो तो कोई ना कोई योग निश्चित ही आपकी कुंडली में मिल रहा हो निश्चित रूप से। मतलब यह कि भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ दिया है, सबके लिए एक ना एक मार्ग स्थापित किया है, उस मार्ग को पकड़ के आपको आगे बढ़ना है। सिंह लग्न के लिए, जो सिंह लग्न के जातक हैं उनके कुंडली में केतु यदि 12वें भाव में बैठे हों और केतु से बृहस्पति का संबंध बन रहा हो, केतु से बृहस्पति का संबंध बन रहा हो, आगे नववांश कुंडली में और D1 में, ऐसे D20 ये तीनों में अप्लाई कीजिए। चंद्रमा शनि, चंद्रमा पर शनि का और मंगल का दोनों का प्रभाव हो, चंद्रमा पर शनि का और मंगल का दोनों का प्रभाव हो। लग्न में देखिए, चंद्रमा जो है वो शनि की राशि में बैठा है। D20 में देखिए, चंद्रमा जो है वो शनि की राशि में बैठे हैं, और D9 की बात करें तो D9 में चंद्रमा पे शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है। ठीक है, इस योग को भी आपको ध्यान में रखना है। मंगल और केतु का संबंध बन रहा हो, साथ ही पंचम और नवम के स्वामियों का साथ हो, मंगल और केतु युति में हो या उनका संबंध हो, उसके साथ में पंचम और नवम के स्वामी का साथ हो। यदि ऐसे योग आपके D20 बन रहे हैं, इस योग को आपको तीनों में देखना है, D1 में भी, D9 में भी, D20 में भी। यदि ये तीनों योग बन रहे हैं
तीनों कुंडलियों में या दो D20 में, D1 में, D9 D20 में बन रहे हैं, तो जब आप सोएंगे उस वक्त आपके साथ ऐसी स्थिति बनेगी कि मान लीजिए कहीं कुछ होने वाला हो ना, बहुत कुछ भयावह, तो भयानक भयानक सपने आपके जीवन में निरंतर आएंगे। भयानक सपने आएंगे आपके जीवन में, जिसे देखकर आप डर जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कहीं ऐसी घटना घटी है। कन्या लग्न और तुला लग्न वाले जो जातक हैं, उनके कुंडली में शनि और केतु का संबंध बन रहा हो, और किसी भी प्रकार बृहस्पति का संबंध स्थापित नहीं हो रहा हो, इस स्थिति में व्यक्ति को अलौकिक स्वप्न चित्र आते हैं, अर्थात अलौकिक स्वप्न देखता है, स्पिरिचुअल सपने देखता है, स्वर्ग जा रहा है, भगवान नारायण से मिल रहा है, उनसे बातचीत हो रही है, नारद जी स्वप्न में आए हैं, ऐसे सपने वो देखता है, अर्थात एक तरीके से कार्य, तो ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा को ही दर्शा रहा है। आपको एक संकेत मिल रहे हैं कि आप अध्यात्म की ओर बढ़िए। जैसे आपको ऊंची पहाड़ियां दिखेंगी, तीर्थ यात्रा आप स्वप्न में ही करेंगे, जो आगे होने वाली घटनाएं हैं वह आप स्वप्न में देखेंगे, आपके स्वप्न में साधु संत मिलेंगे, यदि पंचम भाव में मंगल और केतु का योग बन रहा हो, तो जो स्वप्न आप देखेंगे वो बहुत छोटे होंगे और आप उससे दुखित होंगे। इसको D1 में अप्लाई कीजिएगा। मंगल और केतु यदि पंचम भाव में बैठे हों तो आप स्वप्न देखेंगे और उस स्वप्न को देखकर आप दुखी ही होंगे और बहुत छोटे स्वप्न होंगे। यदि पंचम भाव में मंगल बैठा हो और उसका संबंध केतु और पंचम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी के साथ बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, कब जब आपके कुंडली में ऐसे योग बने हों तो कब आप उद्यत होंगे इन सभी कार्य को करने के लिए, अर्थात आप इस धर्म की यात्रा को कब करना प्रारंभ करेंगे, या फिर कब आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। इन जो योग अभी आपने लिखे हैं, इन सब योग के अंतर्गत ही इसे लेकर चलना। जब कर्क और मीन,
राशि में स्थित ग्रहों की महादशा हो, अंतर्दशा हो, और तो आप आध्यात्मिक जागृति आपकी होगी, या आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वृश्चिक में जो ग्रह होंगे उनकी यदि महादशा या अंतर्दशा होगी, तब भी आप इस आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करेंगे, लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा में अनेक प्रकार के कष्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। कर्क चंद्रमा की राशि है, मीन गुरु की राशि है। तो चंद्रमा और मीन, चंद्रमा और गुरु, ये दोनों शुभ शुभ ग्रह हैं। तो इनकी जब दशाओं में, इनकी जब इन राशियों में बैठे ग्रह की दशाओं में आप शुभता से अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगे, और जब वृश्चिक या मेष, खासकर वृश्चिक ही रखें, जब वृश्चिक की दशाओं में आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे तो आपको अध्यात्म में दुख की भी अनुभूति होगी। क्यों होगी? क्योंकि मंगल दुखद है। और जब वृश्चिक की दशा होगी और उसमें जब आपको स्वप्न आएंगे तो भूत, पिशाच, पैशाचिक, ऐसे स्वप्न आपको देखने को मिलेंगे। गोचर में इन सभी योग को आप लग्न पे लगाएंगे। गोचर में जब बृहस्पति की दृष्टि जन्म कुंडली के केतु पे जा रही हो, या केतु के ऊपर बृहस्पति का गोचर आया हो, केतु लग्न में हो, नवम में हो, या पंचम भाव में हो, तब भी व्यक्ति अनेक प्रकार के स्वप्नों को देखता है जो सुखद होता है, सुख देने वाले होते हैं। और यह स्वप्न ही आपको बताता है कि आप आगे जो है वो स्पिरिचुअल यात्रा को करेंगे, आध्यात्मिक यात्रा को लेकर चलेंगे। और इस गोचर में पूजा करते हुए, योग करते हुए आप अनुभव करेंगे अपने आप को। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है। हम कहीं भी जा रहे हैं लेकिन घूमकर हम चंद्रमा पे आके रुक जा रहे हैं। जैसे विदेश यात्रा के लिए या विदेश में रहने के लिए चंद्रमा और चतुर्थ भाव का पीड़ित होना आवश्यक है, वैसे ही आपकी आध्यात्मिक जागृति के लिए चंद्रमा का पीड़ित होना अति आवश्यक है। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है। मन को आत्मा की ओर ले जाना यह भी एक अध्यात्म है।
अर्थात यदि आपके कुंडली में चंद्रमा और सूर्य का संबंध बन रहा हो D20 में, वह भी अध्यात्म की ओर आपको ले जा रहा है। गुरु ज्ञान है, शनि वैराग्य है, केतु अध्यात्म है और मोक्ष है। तो गुरु शनि और केतु का योग बन रहा है, वो भी आपको अध्यात्म की ओर ले जा रहा है। जैसे प्रथम भाव आप स्वयं हैं, पंचम भाव वेदांग है, वेदांत है, 4, 8 और 12 भाव जो अध्यात्म को दर्शाता है, नवम भाव धर्म है, अध्यात्म है, दशम भाव कर्म है। अब तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य यह है कि प्रथम भाव, पंचम भाव, 4, 8, 12 इनमें से कोई एक भाव, नवम भाव और दशम भाव, इनका यदि संबंध आपके कुंडली में बन रहा है, वह भी आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा को तैयार है। अर्थात आप अपने पिछले जन्म से अध्यात्म को लेकर आए हैं और आपको सिर्फ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चौथी राशि, पांचवी राशि, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन। इन राशियों में बैठे ग्रह की यदि अंतरदशा भी आती है, तो वह आपको अध्यात्म की यात्रा के लिए आकर आया है कि भाई चलो इस विमान पे बैठो और हम अध्यात्म की यात्रा करते हैं। लेकिन नहीं, उस वक्त हमें दिखता है भाई अनेक प्रकार का जीवन में कष्ट आ रहा है, इस कष्टों का निदान कैसे करना है, अध्यात्म की ओर लोग जाते क्यों हैं, कैसे जाता है लोग अध्यात्म की ओर? जब वो अपने मन को व्यथित देखता है, अपने मन को विचलित देखता है, तो कहता है चलो भाई गुजर राम राम हरि कीर्तन कर लो। वो हरि कीर्तन अध्यात्म नहीं है, मन को मार लेना ही अध्यात्म है। कोई सैनिक है, वो बॉर्डर पे जाता है लड़ने के लिए, ठीक है? तो बॉर्डर पे जब जाता है लड़ने के लिए, तो एक धर्म गुरु होते हैं, एक मंदिर होता है जहां उनका बना हो रहने के लिए। तो वह व्यक्ति जो है मंदिर में प्रणाम करता है, उसके बाद लड़ने को जाता है। अब मंदिर में जाकर ही वहां गोलियां बरसाना शुरू कर दे, तो क्या होगा? उसका कोई औचित्य तो नहीं है, क्योंकि उसे गोलियां कहाँ चलानी है, वहां बॉर्डर पे जाकर चलानी है और मंदिर में बरसाने लगा। हम लोग क्या करते हैं? अध्यात्म शुरू कहाँ करते हैं? मंदिर में जाकर कि चलो मंदिर में ध्यान लगाएंगे। अरे भैया, अध्यात्म को घर की आवश्यकता है, ना कि मंदिर की, और अपने अंदर की घर की आवश्यकता है। अपने अंदर का घर कौन है? चौथा भाव है। चौथा भाव किन चीजों को देखता है, प्रतिनिधित्व करता है? मन को। लेकिन हम लोग दूसरी ओर भागते हैं, मंदिर जाओ तो विपासना केंद्र जाओ, तो यहां जाओ वहां जाओ, योग करो। योग में क्या कहा जाता है? पेट पे ध्यान दीजिए, पेट को ठीक कीजिए, पैर को मोड़िए। ध्यान हमें कहाँ लगाना है? हमें मारने की आवश्यकता किसे है? मन को। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? पेट की ओर। ध्यान कहाँ जा रहा है? पेट पे। तो क्या पेट को अंदर बाहर करने से आ जाएगा? नहीं आएगा। आपको चंद्रमा तक पहुंचना होगा। चंद्रमा जिस ग्रह से जुड़ा है, उस ग्रह को आपको पकड़ना होगा और उस ग्रह को साधना होगा। शनि जिस ग्रह से जुड़ा है, उस ग्रह को तोड़ना होगा। लग्न जिस ग्रह से जुड़ा है, उस ग्रह को तोड़ना होगा। क्योंकि आपको अपने अंतःकरण की लड़ाई करनी है, वो लड़ाई नहीं करनी है कि बाहर जाकर अध्यात्म का अपमान कैसे होता है। आज तो हमने पढ़ा अध्यात्म क्या है, लेकिन इसे हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे
और लोगों को बताए फिरेंगे ऐसा है वैसा है वो है, तो वो अध्यात्म का अपमान है। पहले स्वयं का अध्ययन कीजिए इन रूल को लगाकर, और उसके बाद आगे बढ़िए। जैसे लग्न का स्वामी ग्रह और चंद्रमा, लग्न का स्वामी ग्रह और चंद्रमा इन दोनों को भी उतना ही देखना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि D20 का जो लग्न है वो आप स्वयं हैं और चंद्रमा आपका मन है, और D20 का जो लग्न है उसे देखिए कि षडवल में उसकी क्या स्थिति है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा के षडवल में क्या स्थिति है। जो सर्वाधिक बली है उसे पकड़ लीजिए। जैसे लग्न का स्वामी इनके कुंडली में हमें बुध दिख रहा है, और चंद्रमा जो है वो नवम बैठा है, तो बुध है यहाँ, चंद्रमा से बली दिख रहा है। बुध का किसी भी ग्रह से संबंध बन रहा है, किससे बन रहा है थोड़ा गौर कीजिए, समझ में आ जाएगा। शूद्र से बन रहा है, शूद्र स्वयं आत्मा है। सामने चीजें आ गई। तो इस प्रकार से हम अपने आप को आगे लेकर चलते हैं। यदि लग्न का स्वामी ग्रह चौथी राशि में हो, पांचवी राशि में हो, आठवीं राशि में हो, नौवीं राशि में हो, दसवें में हो, बारहवें में हो, तो यह भी एक संकेत आपको देता है कि आप अध्यात्म के पथ पे चलने को तैयार हैं। चंद्र यदि सूर्य से संबंध बना रहा हो, यदि शनि संबंध बना रहा हो, केतु से संबंध बना रहा हो, गुरु से संबंध बना रहा हो, या जो राशियां मैंने बताई अभी 4, 5, 8, 9, 10 और 12, इन भावों में बैठा हो, इन राशियों में बैठे, वो भी आपको कह रहा है दौड़ जाइए। बाहें फैलाए कुछ दूरी पे खड़ा है, जब तैरने की प्रैक्टिस की जाती है ना, तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि पानी में जाए तो जाए कैसे। पहला स्टेप ही बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो उस प्रथम स्टेप को ही लेने की आवश्यकता है। जैसे हमने बात किया था पंच महापुरुष की भी, तो पंच महापुरुष में हंस योग या सस योग ये बन रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। आपकी कुंडली में गुरु शनि और केतु, गुरु शनि और केतु यदि अश्विनी नक्षत्र में हो, मूल में हो, आद्रा में हो, पूर्णवसु में हो, विशाखा में हो, ज्येष्ठा में हो, अश्लेषा में हो, उत्तराषाढ़ा में हो, पूर्वा भाद्रपद में हो, रेवती में हो, तो यदि इन में गुरु शनि और केतु हैं, तो वो भी एक आपकी आध्यात्मिक जर्नी को दिखा रहे हैं। गुरु कहाँ है? आद्रा में। केतु कहाँ है? विशाखा में। शनि स्वाति में है, ये भी है। चंद्रमा कहाँ है? पूर्वा भाद्रपद में है।
ठीक है। तो ये जो चार योग, चार ग्रह हैं, चंद्र को भी ले लीजिए, तो ये जो चार ग्रह हैं या इन नक्षत्रों में है तो भी आपकी आध्यात्मिक जर्नी को दिखा रहा है। अरे चार के चार ग्रह उसी में बैठे हैं। कहाँ से प्रारंभ करना है? सबसे पहले हमने बात की कि आप इस अध्यात्म को प्रारंभ कहाँ से करेंगे। पहले मंत्र जप नहीं, पहले अपनी गंदगी साफ करना है। गंदगी आपको कहाँ से पता चलेगा? राहु को देख लीजिए, आपको गंदगी पता चल जाएगी। अब राहु केतु के साथ ही है और उसके साथ में और जो ग्रह बैठ जाए, जहां बैठा है वो स्थान आपकी गंदगी को इंडिकेट कर देता है। लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। आप अपनी कुंडली से भी ज्यादा आप स्वयं अपने आप को जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने अंदर झांकिए और अपने अंदर झांक कर प्रश्न कीजिए, भाई हमारे अंदर क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या हमें सुधारने की आवश्यकता है, और जब उसे हम सुधार लेंगे उसके बाद हम अध्यात्म की यात्रा करेंगे। कहाँ से यात्रा प्रारंभ करना है वो आपको पता है। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो बताइए, कोई प्रश्न है बताइए।